तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज बताने वाला हूं कि भाई हेयर पैच में जुएं कब और कैसे पड़ जाती हैं, तो इनको निकालने का सलूशन भी बताऊंगा और मैं इसको कि भाई आती किस तरीके से और ये जाएंगी किस तरह से। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते बने रहना वीडियो में, तो मैं इसमें आपको मैं पूरा बता देता हूँ इसमें प्रोसेसर क्या होता है हेयर पैच के अंदर। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता हूँ कि भाई हेयर पैच के अंदर जो है भाई जुएं होती ही नहीं है। अब वो पूछेंगे भाई क्यों नहीं होती। भाई नया जो हेयर पैच होता है भाई उसके अंदर जुएं होती नहीं है, क्योंकि वो इतना केमिकल में वॉश आता है कि भाई इसके अंदर जरा सी एक भी जू नहीं मिलेगी आपको। जू जो होती है दोस्तों, हम किसी का तकिया हम यूज कर लेते हैं तो भाई उसमें उससे चढ़ के और हमारे सर में आ जाती हैं ये। ठीक है, बाकी तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई जुएं हो चुकी हैं हमारे सर में, और भाई जुओं का भाई आप ये बताइए कि किस तरीके से आप इसको भाई हम निकालें, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो यही मैं आज आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि दोस्तों आपको किस तरीके से ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले कि क्या करना है भाई, जैसे कि ये हेयर पैच है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसमें। जैसे आप ये हेयर पैच देख रहे होंगे गाइस, ठीक है, तो इसको क्या करना है दोस्तों, आपको इसे सबसे पहले जैसे कि आप इसकी टेपिंग में लगाते हो या क्लिपिंग में लगाते हो, किसी भी तरीके से आप इसमें लगाते हैं, तो इसमें इसको क्या करना है दोस्तों, हमें निकाल के इस पर थोड़ा थोड़ा हमें पेट्रोल लगा देना है। पेट्रोल से बिल्कुल साफ कर देना है इसे अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छे तरीके से साफ करने के बाद में फिर हमें इसमें शैम्पू करना है। अब इसमें शैम्पू कौन सा यूज करना है दोस्तों, जो हम नॉर्मली शैम्पू यूज करते हैं वो शैम्पू हमें यूज नहीं करना है इसमें। इसमें जो हमें शैम्पू यूज करना है गाइस, इसमें करना है हमें मेडिकेयर शैम्पू। ठीक है, और मेडिकेयर शैम्पू करने का तरीका क्या होगा इसमें, मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि इसमें जब भी हम इसे वॉश करेंगे, जैसे जुएं हैं इस पैच के अंदर हमारे, तो मेडिकेयर शैम्पू में हल्का सा पानी लेंगे भाई, गर्म पानी जितना हमारा हाथ बर्दाश्त कर सके, ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी जितना हमारा हाथ बर्दाश्त कर सके। ठीक है, इतना हम गर्म पानी लेंगे और मेडिकेयर शैम्पू को उसके अंदर मिला देंगे, और उसके अंदर जो पानी लेना है आपको 300 ml के आसपास लेना है, यानी कि 300 ग्राम पानी है उसमें आपको लेना है। ठीक है, और पानी में शैम्पू मिला के और इस पैच को उसके अंदर डाल देना है। ठीक, ऐसे करना है ये आपको दो बार, पहले शैम्पू लेंगे फिर उसको गर्म पानी से धो लेना है, फिर उसको दोबारा डाल देना है, फिर हल्के हल्के इसमें कंघी करेंगे जिससे कि भाई सारी जुएं निकल जाए और मेडिकेयर शैम्पू से सारी जुएं मर भी जाएंगी, और वही मतलब दूसरा शैम्पू फिर हम अपने सर में भी अप्लाई करेंगे। ठीक है गाइज, तो यही शैम्पू हमें यूज करना है मेडिकेयर शैम्पू, और उसके बाद जब ये हम शैम्पू कर लेंगे दो बार, तो दो बार के बाद में इसमें क्या करना है आपको दोस्तों, फिर इसमें आपको कंडीशनर करना है। कंडीशनर कोई अच्छी ब्रांड का ले लीजिए आप, कोई भी, जितना आप अच्छा कंडीशनर यूज करेंगे पैच के बाल इतने सिल्की और सॉफ्ट होंगे इसमें। और एक चीज और भी है दोस्तों कि जब भी हम हेयर पैच यूज करते हैं तो इसके बाल अधिकतर रफ हो जाते हैं। रफ होने का कारण क्या होता है दोस्तों, ज्यादा ड्रायर यूज करना, तो हम लोग ज्यादा ड्रायर यूज ना करें दोस्तों हेयर पैच के अंदर, क्योंकि उससे जो है भाई हमें काफी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई बाल रफ हो जाते हैं, बाल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, बालों का डायरेक्शन खराब हो जाता है थोड़ा सा। तो इसीलिए दोस्तों ज्यादा कम से कम आप दोस्तों ड्रायर का यूज करें, और ड्रायर का यूज करना भी है तो हीट वाली ड्रायर ज्यादा यूज ना करें आप लोग, ठंडी ड्रायर हीट बंद करके यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और बाकी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमें लाइक करें, फॉलो करें, और पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज हमारा जो पैच के अंदर जुएं हो जाती हैं कि उसको किस तरीके से हम लोग निकालेंगे इसमें से। ठीक है, चलते हैं बस आज की वीडियो हमारी यहीं तक, आपके दोस्त परवेश के साथ। ठीक है गाइस, दुआओं में याद रखिएगा हमेशा।